हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि पितृ पक्ष में श्राद्ध कर्म की शुरुआत कैसे हुई थी? जान लीजिए, पितृ पक्ष में श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल से चली आ रही है। श्राद्ध कर्म की जानकारी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दी थी। इसके पीछे की पूरी क्या कहानी है, ये भी जान लीजिए। महाभारत काल से जुड़ी है मान्यता। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को पितृपक्ष में श्राद्ध और उसके महत्व को बताया था। भीष्म पितामह ने बताया था कि अत्रि मुनि ने सबसे पहले श्राद्ध के बारे में महर्षि निमि को ज्ञान दिया था। अपने पुत्र की आकस्मिक मृत्यु से दुखी होकर निमि ऋषि ने अपने पूर्वजों का आह्वान करना शुरू कर दिया था। इसके बाद पूर्वज उनके सामने प्रकट हुए और कहा, निमि, आपका पुत्र पहले ही पितृ देवों के बीच स्थान ले चुका है, क्योंकि आपने अपने दिवंगत पुत्र की आत्मा को खिलाने और पूजा करने का कार्य किया है। ये वैसा ही है जैसे आपने पितृ यज्ञ किया था। उस समय से श्राद्ध को सनातन धर्म का महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। इसके बाद से महर्षि निमि ने भी श्राद्ध कर्म शुरू किए और उसके बाद से सारे ऋषि मुनियों ने श्राद्ध करना शुरू कर दिए थे। कुछ मान्यताएं बताती हैं कि युधिष्ठिर ने कौरव और पांडवों की ओर से युद्ध में मारे गए सैनिकों के अंतिम संस्कार के बाद उनका श्राद्ध किया था। अग्नि देव से भी है संबंध। जब सभी ऋषि मुनि देवताओं और पितरों को भोजन कर श्राद्ध में इतना अधिक भोजन कराने लगे तो उन्हें अजीर्ण हो गया और वे सभी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि इसमें अग्नि देव आपकी मदद कर पाएंगे। इसके बाद अग्नि देव ने कहा कि श्राद्ध में मैं भी आप लोगों के साथ मिलकर भोजन करूँगा, इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए हमेशा पितरों को भोजन कराने के लिए श्राद्ध का भोजन कंडे और अग्नि को चढ़ाया जाता है। इंद्र से भी जुड़ी है कथा। मान्यताओं के मुताबिक दानवीर कर्ण, जो दान करने के लिए विख्यात थे, मरने के बाद स्वर्ग पहुँचे। वहाँ उनकी आत्मा को खाने के लिए स्वर्ण दिया जाने लगा। इस पर उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र से पूछा कि उन्हें खाने में स्वर्ण क्यों दिया जा रहा है। इस बात पर भगवान इंद्र ने कहा कि तुमने हमेशा सोना ही दान किया है, कभी अपने पितरों को खाना नहीं खिलाया। बस इसके बाद पितृ पक्ष शुरू हुआ और कर्ण को वापस से धरती पर भेजा गया। पितृ पक्ष के इन 16 दिनों में कर्ण ने श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण किया और उसके बाद उनके पूर्वज भी खुश हुए और वह वापस स्वर्ग आए। हर हर महादेव। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।